টানা তিন মাস বেতন বন্ধ। ওই বকেয়া বেতন চাইতে গেলে কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে কলোনি খালি করে দেওয়ার হুমকি জুটছে। এই অবস্থায় লকডাউনে নিজের রাজ্যে ফিরে যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ। তাই এক প্রকার বাধ্য হয়ে কারখানার গেটে চড়াও হয়ে গেট লক্ষ্য করে যথেচ্ছ ইট পাটকেল ছুড়ল উত্তেজিত শ্রমিকরা। বুধবার বাঁকুড়ার ছাতনার জোর হীরা এলাকার একটি বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার ঘটনা। জোর হীরার ওই বেসরকারি স্পঞ্জ আয়রন কারখানায় প্রায় 300 ভিন রাজ্যের শ্রমিক কাজ করেন। গত 23 মার্চ থেকে লকডাউনের কারণে কারখানার উৎপাদন বন্ধ, কাজ নেই শ্রমিকদের। এই অবস্থায় তাদের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বেতন বন্ধ রেখেছে। শ্রমিকদের অভিযোগ, বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য একের পর এক তারিখ কারখানা কর্তৃপক্ষ দিলেও তা দেওয়া হয়নি। এদিন সকালে ফের শ্রমিকরা কারখানার গেটে বকেয়া বেতন চাইতে গেলে কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রমিকদের কলোনি খালি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আরো বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়ে ভিন রাজ্যের শ্রমিকরা। হম লোক পেমেন্ট মাঙ্গনে যা রে স্যার তো বল রা কি বাহার চল যাও তুম লোক জিতনা কলোনি বালা হ্যাঁ বাহার করবা দেঙ্গে আর হম লোক কা 3 মহিনা কা পেমেন্ট হো গিয়া স্যার বোলা 1 মহিনা কা পেমেন্ট আপকা ফরবরি কা দেঙ্গে 15 তারিখ কো অভি তক 1 রুপিয়া ভি নহি মিলা হুয়া হ্যায় বাহার করেঙ্গে তো হম লোক রোড পর বৈঠ কে হড়তাল করেঙ্গে স্যার গেট পর বৈঠ কে অভি হড়তাল কর রে আব কুছ দেরি কে বাদ রোড পর বৈঠ কে হড়তাল করেঙ্গে ওর ক্যা করেঙ্গে মরল হইয়ে হ্যায় ওর ভি মর জায়েঙ্গে ওর ক্যা দিক্কত হ্যায় प्रॉब्लम है सर, हम लोग को राशन पानी का दिक्कत है और इसके बाद फिर पेमेंट की प्रॉब्लम है सर, सारी प्रॉब्लम है यहाँ। अभी हम लोग यहाँ गेट पे आए तो यहाँ का अधिकारी लोग बोल रहा है कॉलोनी खाली करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। बताइए हम लोग का घर है बिहार, कैसे जाएगा यहाँ से, क्या खा के कैसे रहेगा, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। बताइए आदमी, यहाँ जानवर तो नहीं है, आदमी एक सूखा रोटी भी मिलता तो खा करके पानी पी के जीता है। बताइए कॉलोनी में बंद हो जाएगा, कहाँ रोड पे कहाँ रहेगा, धूप में मरेंगे हम लोग। बंद होने वाला है, बंद करने अभी बोला गया है, बंद कर दूंगा मैं, धमकी है, पैसे हम लोग मांग रहे हैं। हम लोग का परमिट नहीं मिला सर, फरवरी और मार्च आधा अप्रैल पार हो गया सर, परमिट भूखे हम लोग मर रहे हैं। हम लोग के 1 रुपया पर्स में अभी नहीं है, खर्चा वर्चा कुछ नहीं, राशन पानी सब कुछ बंद कर दिया सर। हम लोग के ठेकेदार भी कुछ नहीं डिसीजन दे रहा है, इंचार्ज है जो भाग गया है यहाँ से, मोबाइल स्विच ऑफ कर ले और भाग गया है। बताइए हम लोग के कुछ नहीं है, भाड़ा जो में कुछ 1 रुपया भी नहीं है, गेट पर आए हंगामा कर रहे हैं हम लोग पेमेंट के लिए, अभी 1 रुपया भी पर्स में नहीं है, नहीं राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग के, इसलिए हम लोग हंगामा कर रहे हैं सर। एर पड़ी उत्तेजित श्रमिकरा कारखानार गेटे चढ़ाओ हुए व्यापक इट पाटकेल छोड़े बोले खबर। अविलम्बे कारखाना कर्तृपक्ष बकेया वेतन ना दिले एबार लगातार आंदोलने नामार हुमकी दिएछेन श्रमिकरा। ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सारे कॉन्ट्रेक्टर के, कॉन्ट्रेक्टर के लोग की आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं रही, हम लोगों का पूरा जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रेक्टर को ऑलरेडी पैसा दिया गया है, कॉन्ट्रेक्टर ये लोग के पास पहुँचाया नहीं है, तब इतना दिन भूखे रह रहे हैं। तो अभी उसी के कारण मैंने चार स्टेट पार करके बराकर त्रिकुंडा सालतोड़ा सब पार करके मैं यहाँ आया हूँ। कॉन्ट्रेक्टर के आदमी को बुलाया गया है, 10 मिनट में आलोचना आ रहा है, फिर बैठ के बात कर। दीपू सिंह जो ये लोग का कॉन्ट्रेक्टर का लीडर है वो ये लोग को फेस नहीं कर रहा है। ये लोग गेट में भी आके यही कहना था कि दीपू सिंह जो आदमी है हम लोग से बात नहीं करता, हम लोग का पेमेंट कब होगा, हम लोग कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है। देखिए आलोचना करी जाते इधर पेमेंट हमारा दे पारी, हमारा यूनियन उधर पक्षे आज कारण यूनियन तो श्रमिकर विपक्षे ना कारखाना किसो আমরা বেয়াদব শ্রমিক আছে, তারা ঢিল পাথর ঢিল পাথর ছুড়ছে, সেটা একটা অন্যায় জিনিস, এটা ঢিল পাথর, কারণ কারখানাটা টিকে থাকবে তবে তো শ্রমিকরা থাকবে। নিউজ রাজ বাংলা, বাঁকুড়া।